मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर मूली का अचार। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं गाजर मूली का अचार कैसे बनाते हैं। गाजर मूली का अचार बनाने के लिए ये मैंने 3 गाजर को अच्छे से धो के और पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। और इसमें हम डालेंगे, ये 2 मूली है, इसको भी मैंने धो के और अच्छे से पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करके और छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। और इसमें हम मिर्ची भी डाल देंगे, आप चाहे तो अभी डालें मिर्ची या फिर बाद में। 8 से 10 मिर्ची ये पतली पतली मैंने काट के रख ली है, और ये हम डाल देंगे। और इसे भी हम इसी में मिक्स करके और ढक के छोड़ देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। नमक के कारण जो एक्स्ट्रा पानी है इस गाजर और मूली का वो सारा छोड़ देगा, फिर वो हम पानी हटा लेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो भी मसाला हमें डालना है वो डालेंगे। ये गाजर मूली के अचार में नमक डालने के कारण जितना भी पानी अचार से छूटा वो मैंने हटा दिया है। अब इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए ये मैंने 1 चम्मच धनिया लिया, धनिया के बीज, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच काली सरसों जो होती है वो लिया, 2 चम्मच, और 4 लाल मिर्च लिया। अब हम इसे पहले हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए पैन में हम सारे मसाले डाल के और कंटिन्यू चलाते हुए इसे, जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू नहीं आने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट भूनने पे ही ये मसाला जो है आपका भून जाएगा, इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी। ये मसाला चटकने लगा है। अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसे। मसाला जो है वो ठंडा हो गया। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के और पीस लेंगे। पहले ये मसाला मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसमें अचार में अब मसाला को मिक्स करते हैं। अब हम फिर से पैन को गर्म करेंगे और उसमें तेल डालेंगे 2 चम्मच, और तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब खूब अच्छे से गर्म हो गया, देखिए धुआं निकलने लगा, इसमें गैस को कम करेंगे और ये जो हमने मसाले भून के रखे हैं वो डाल देंगे और बस हल्का सा इसमें मिक्स होने देंगे मसाले को। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जिससे कि इसमें अचार में जो कलर है वो अच्छा आने लगे। बस जो ये हमने गाजर मूली को काट के रख रखा है वो सारा इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। Thank you.
आप यहाँ पे एक बार टेस्ट करके देख लें कि इसमें नमक आपके स्वाद के अनुसार है या नहीं है। अगर कम है तो थोड़ा सा नमक यहाँ पे आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो गाजर और मूली में से जो पानी छोड़ा तो वो हमने फेंक दिया है, तो जिसके कारण नमक हो सकता है थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप इसमें हल्का सा नमक मिला सकते हैं और अब इसे हम दो से चार मिनट बस इस पर हल्का सा भूनेंगे, जिससे कि पानी का जो इसमें रहता है अंश रहता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो अचार है आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं थोड़ी देर भूनने के बाद। बस आप इसे बंद कर दें, ये हमारा गाजर बुनी का अचार बनके तैयार हो गया।